वेलकम बैक टू माई क्लास एवरी वन। टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंशियंट ओलंपिक। ठीक है, यह हमारा बुक में चार पांच पेज में दिया गया है पूरा एंशियंट ओलंपिक का। मैंने इसको पूरा श्रिंक करके छोटा बना दिया है। ठीक है, विद इन 3 मिनट आपका क्या हो जाएगा, ये टॉपिक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। इस पर अगर आपको कोई क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन अबाउट द एंशियंट ओलंपिक, देन यू कैन राइट डाउन दिस आंसर वेरी इजिली विद दिस पॉइंट्स। ओके, तो आपको सिर्फ ये 2 से 4 मिनट आपको इस वीडियो में देना है। ठीक है, तो एंशियंट ओलंपिक का हिस्ट्री देखते हैं। ओके, हिस्ट्री रिवील दैट एंशियंट ओलंपिक वेर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ गॉड ज्यूस। ओके, जो गॉड ज्यूस था उनके ऑनर पे क्या किया गया था, एंशियंट ओलंपिक स्टार्ट किया गया था। कब किया गया था, 776 BC में। ठीक है, और एक मिथ क्या है कि ओलंपिया वैली में गॉड एंड गॉडेस क्या करते थे, फाइट करते थे। ठीक है, उस फाइट को रोकने के लिए क्या गेम एंड स्पोर्ट्स स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है, तो ये सारे क्या है, रिलीजियस सेरेमनी और रिलीजियस फेस्टिवल भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो वैसे हमारा ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, इतना हिस्ट्री में आप लिख देना। ठीक है, नाउ कम टू द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ एंशियंट ओलंपिक। ओके, तो मैंने 5 रूल एंड रेगुलेशन इधर लिखा है, तो एकदम छोटा छोटा करके लिखा है ताकि आप फटाफट ये नोट डाउन कर सको। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है हमारा, द कॉम्पिटिटर मस्ट बी ओनली ग्रीक। ओके, जो कॉम्पिटिटर होगा, जो बंदा खेलेगा, वो कहां से होना चाहिए, ग्रीक से ही होना चाहिए, वो बाहर का नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। नाउ ओनली एमेच्योर स्पोर्ट्स पर्सन कैन पार्टिसिपेट इन द गेम एंड स्पोर्ट्स। ओके, जैसे आजकल क्या होता है, सारे प्रोफेशनल्स क्या करते हैं, गेम एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, और खेलते हैं, लेकिन उस टाइम में क्या था, सारे एमेच्योर प्रोफेशनल्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम एंड स्पोर्ट्स। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, पनिश्ड पर्सन आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम एंड स्पोर्ट्स। किसी को अगर जेल हुआ है, किसी को कोई पनिशमेंट मिला है, वो बंदा क्या नहीं कर सकता, गेम एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। ठीक है, ये 3 रूल हो गए हमारे। नाउ कम टू द रूल नंबर 4। ओके, वुमेन्स आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन गेम एंड स्पोर्ट्स। ठीक है, महिलाओं को क्या नहीं मिलता था, एंट्री नहीं मिलता था गेम एंड स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने के लिए। ठीक है, नाउ इन मॉडर्न ओलंपिक वुमेन कैन पार्टिसिपेट इन द गेम एंड स्पोर्ट्स। ओके, एंशियंट ओलंपिक में क्या था, पार्टिसिपेट नहीं कर पाते थे। ठीक है, ये हमारा पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट नंबर 5। पार्टिसिपेंट्स हैड टू प्रैक्टिस फॉर 1 month। ओके, जो पार्टिसिपेंट होता है उनको स्टेडियम में आके 1 महीने का क्या करना होता था, उनको प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये हमारे हो गए रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, 5 इजी रूल एंड रेगुलेशन मैंने आपके लिए लाया इधर, आप नोट डाउन कर लो फटाफट। ओके, नाउ कम टू द ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द एंशियंट ओलंपिक। जो एंशियंट ओलंपिक का ओपनिंग सेरेमनी होता था, उसमें क्या होता था, जो एथलेट्स होते थे वो क्या करते थे, ओथ लिया करते थे। ठीक है, कि मैं इस गेम में कोई भी मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं करूंगा, इस गेम में कोई भी रूल एंड रेगुलेशन नहीं तोड़ूंगा। ठीक है, इस गेम को अच्छी तरीके से खेलूंगा, दैट काइंड ऑफ ओथ टेकन बाय द प्लेयर। ओके, एंड क्या करते थे, गेम स्टार्ट करने से पहले कल्चरल एक्टिविटी होता था और एक पिक को सेक्रीफाइस किया जाता था। ओके, ऑन द नेम ऑफ गॉड ज्यूस। ओके, तो ये हमारा क्या था, ओपनिंग सेरेमनी। ओके, क्या क्या गेम होता था उधर, मेनली चैरियट रेसिंग। ओके, आपने रथ देखा होगा ना, रथ का क्या होता था, रेसिंग होता था। ठीक है, रेसलिंग, आजकल रेसलिंग तो आप देखते ही हो, रेसलिंग होता था, डिस्कस थ्रो। तो ये सारे इवेंट क्या होता था, एंशियंट ओलंपिक में मेनली कंडक्ट किया जाता था। ठीक है, नाउ यू नीड टू नो द क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द एंशियंट ओलंपिक। क्लोजिंग सेरेमनी में क्या होता था, ठीक है, कल्चरल एक्टिविटी होता था और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, जो प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें क्या होता था, ओलिव का क्राउन मिलता था, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा ऐसा ओलिव क्राउन मिलता था प्राइज में। ठीक है, और क्या मिलता था, ग्रेन्स। ओके, जो राइस होता था ना वो क्या होता था, एज ए प्राइस पार्टिसिपेंट को मिलते थे। ठीक है, तो एकदम इजी टॉपिक था, हमने हिस्ट्री देख लिया, रूल एंड रेगुलेशन देख लिया, ओपनिंग सेरेमनी देख लिया, क्या क्या गेम होता था वो देख लिया। ठीक है, उसका क्लोजिंग सेरेमनी एंड द प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन, एकदम इजी टॉपिक है। ठीक है, आपका विद इन 3 मिनट आपका क्या हो गया, ये कवर हो गया। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, एकदम इजी टॉपिक है, इजी से कवर कर लेना।